नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निर्माण को लेकर पंचायतों में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्य शुरू कर दिया गया है। पंचायतों में कूड़ादान लगाया जा रहा है और पंचायत के प्रत्येक घर में दो दो कूड़ादान आवंटन भी किया जा रहा है। जहाँ सफाई कर्मियों को चयनित कर दिया गया है, वहाँ सफाई कर्मियों के द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है। रोज सुबह में प्रत्येक घर से डस्ट बिन से कचरा निकालकर डस्ट यार्ड तक फेंकने का काम शुरू कर दिया गया है और साथ साथ ग्रामीण लोगों को हिदायत भी दिया जा रहा है कि वे इधर उधर कचरा नहीं फेंके। तो इस प्रकार से स्वच्छता अभियान, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना रहा है, वह सफल होते दिखने लगा है। नगर पंचायत में नगर निकाय द्वारा तीन तीन डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, सूखा कचरा के लिए, गीला कचरा के लिए और घर के जो खतरनाक कचरा होता है, जिसे हम जानलेवा कचरा भी कह सकते हैं, उसके लिए डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के नगर पंचायत अरेराज में यह डस्टबिन देखने को मिला है। अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ का प्रसिद्ध धाम है और यहाँ देश के विभिन्न जगहों से लोग सावन में बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। गीला और सूखा कचरा के लिए जो डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो खतरनाक कचरा के लिए जो डस्टबिन लगाया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी जरूरी है। तो इसमें ऐसे कचरे को डालना है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है, जैसे कि कीटनाशक दवाइयों का जो खाली पैकेट हो जाता है, एक्सपायरी जो दवाइयाँ हो जाती है, सैनिटरी पैड्स, फूड पैच, चूहे मारने की दवाइयों का जो खाली पैकेट होता है, आदि जैसे कचरे को इसमें डालना है। तो इस प्रकार से बिहार के सभी पंचायतों में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को निर्माण को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। आपके यहाँ शुरू हुआ है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।